नाज़रीन, अभी आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज़। माशरे के खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मैं सैयद अरशद, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। 2011 30 अप्रैल को चन्नानगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में AIMIM के रुकन असेंबली अकबरुद्दीन अवैसी पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें अकबरुद्दीन अवैसी शदीद जख्मी हो गए थे और इब्राहिम याफाई की मौत वाकई हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें मोहम्मद पहलवान भी थे। मोहम्मद पहलवान को इस हमले का मास्टरमाइंड बताया गया था। 7 साल के बाद आज नामपल्ली कोर्ट ने जजमेंट सुनाया, जिसमें 4 लोगों को सजा हुई जबकि 10 से ज्यादा लोग को बरी कर दिया गया। 4 लोग के नाम कुछ इस तरह है: A2 हसन बिन उमर याफाई, A3 अब्दुल्ला बिन यूनुस याफाई, A5 अवद बिन यूनुस याफाई और A12 मोहम्मद वलन। ये लोग को सजा सुनाई गई, जबकि मोहम्मद वलन के साथ दीगर लोगों को करीब 10 से ज्यादा लोगों को बरी कर दिया गया। ये 7 साल के बाद का यह जजमेंट है। अब देखना है कि सजा में क्या क्या कंडीशन रखते हैं। बहरहाल अभी तक की अपडेट्स यही है। मोहम्मद अतीक, शहबाज बाबा और इब्राहिम के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।